हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते समय भूल कर भी ना करें ये गलती, नहीं तो फायदा की जगह नुकसान हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन सी गलतियां हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की पूजा सूर्य अस्त के बाद फलीभूत मानी गई है। इस वक्त शनि का प्रभाव तेज रहता है। जो सच्चे मन से इस समय शनि की उपासना करता है, वह उस वक्त पर अपनी कृपा लुटाते हैं। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि शनि और सूर्य एक दूसरे के विरोधी हैं। सूर्य पूर्व दिशा में विराजित हैं तो वह शनिदेव पश्चिम दिशा में। जब सूर्य उदय होता है तो सूरज की किरणों शनि के पीठ पर पड़ती हैं। इसी वजह से कि सूर्य उदय के समय शनिदेव कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। सूरज ढलने के बाद शनि की पूजा उत्तम मानी जाती है। शनि देव की पूजा करते समय उनसे सीधे नजर नहीं मिलाना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन भर नकारात्मक असर पड़ता है। शनि की दृष्टि को अशुभ माना गया है। नंबर 3, कहते हैं अगर शनिदेव यदि आपके जीवन में परेशानियां दे रहे हैं या साढ़े साथी और ढैया के अशुभ प्रभाव झेल रहे हैं, तो शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाकर दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें। इससे शनि की पीड़ा में कमी आएगी। शनि देव की प्रसन्नता पाने के लिए सबसे सरल उपाय है मंत्र जाप। शनिवार के दिन शाम को शनि मंदिर में ओम शनैराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तनो मद प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आर्थिक शारीरिक तौर पर मजबूती मिलेगी। पैसों की तंगी चल रही है तो शनिवार के दिन पीपल की 7 पत्तियों को घर लाएं और हल्दी से उस पर हींग लिखें और शाम को शनि मंदिर में भगवान के सामने रख दें। मान्यता है इससे धन की कमी दूर होती है। तो फ्रेंड, ये कैसे लगे उपाय? अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी फ्री में। तो अब हम मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।